नमस्कार दोस्तों, तो आज हमारे पास है 25x50 स्क्वायर फीट का हाउस, 1250 स्क्वायर फीट का डिज़ाइन है, सिंगल फ्लोर का ये प्लानिंग है, सिंपल प्लानिंग है, फ्रंट एलिवेशन सिंपल रखा है यहाँ पे, डिज़ाइन ज़्यादा कुछ हैवी नहीं है, सिंपल एलिवेशन है। तो आज हम 25x50 का ये प्लानिंग देखेंगे और उसके बाद इसका एस्टीमेट देखेंगे। तो सबसे पहले हम पोर्च से इंटर करते हैं। तो सबसे पहले आपको पोर्च मिल जाता है यहाँ पे, पोर्च यहाँ पे आपको 12x8 फीट में पोर्च मिल जाता है। ये आपका नॉर्थ फेसिंग आएगा मकान, यहाँ पे आपको ईशान्य कोण में कुआ मिल जाएगा और 12x8 का यहाँ पे पोर्च आ जाता है। फ्रंट एलिवेशन देख सकते हैं, फ्रंट में जो टाइल्स वगैरह लगाई है यहाँ पे कुछ इस तरह से लगाई गई है। साइड में ही यहाँ पे स्टेयर दी गई है, यहाँ पे 6x15 के आसपास स्टेयर का एरिया आ जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ऊपर में हेडरूम में स्लैब नहीं दिया गया है क्योंकि अगर इनकेस फर्स्ट फ्लोर पे मकान बनता है तो फिर वो उसके हिसाब से डिज़ाइन करता है। तो ये फ्रंट टेल टाइल देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रेनाइट की फिनिशिंग देख सकते हैं। तो इसके बाद हम ड्राइंग रूम पर इंटर करते हैं। ड्राइंग रूम यहाँ पे आप देख सकते हैं 12x14 का बड़ा सा ड्राइंग रूम है। इसका फॉल सीलिंग का डिज़ाइन देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा फॉल सीलिंग का डिज़ाइन किया गया है यहाँ पे। ड्राइंग रूम देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा सा ड्राइंग रूम है। उसके बाद टीवी यूनिट यहाँ पर देख सकते हैं आप, टीवी यूनिट भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। वेंटिलेशन की हम बात करें तो दोनों तरफ से वेंटिलेशन है, नॉर्थ साइड से भी है आपको, तो यहाँ से भी आपको वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा मिल जाता है। तो यहाँ से देख सकते हैं 12x14 काफ़ी अच्छा साइज आ जाता है मकान का। इसके बाद यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो 3.5 फीट के आसपास आपको एक कॉरिडोर मिल जाएगा। राइट साइड में हम बात करें तो यहाँ पर एक कॉमन वॉशरूम मिल जाता है, ये 3.5x8 फीट के आसपास कॉमन वॉशरूम का साइज मिल जाता है यहाँ पे। इसके बाद टॉयलेट अलग से दिया गया है, 3x4 फीट के आसपास इसका सेक्शन मिल जाएगा आपको और ये बाथरूम हो जाता है हमारा टोटल। तो काफ़ी बड़ा स्पेशियस हो जाता है एरिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे शावर वगैरह भी देख सकते हैं, कोई कंजस्टेड नहीं है। इसके बाद राइट साइड में यहाँ पे स्टोर मिल जाता है, तो स्टोर आपको यहाँ पे 6x8 फीट का स्टोर मिल जाता है। ये जो स्टेयरकेस का लाइटिंग है वो है यहाँ पे, आप देख सकते हैं 6x8 में काफ़ी अच्छा स्टोर है। यहाँ पे भी विंडो मिल जाती है वेंटिलेशन के लिए इस तरह से। तो हम फ्रंट से आए, हमने ड्राइंग रूम देखा, यहाँ पे आपको कॉमन वॉशरूम मिलेगा, यहाँ पे स्टोरेज मिलेगा, ये कॉरिडोर है हमारा। अब लेफ्ट साइड में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक नॉर्मल 9x10 फिट का बेडरूम मिल जाता है आपको, यहाँ पे देख सकते हैं इसका फॉल सीलिंग भी देख सकते हैं आप कुछ इस तरह से है। यहाँ पे कैबिनेट वगैरह स्टोरेज के लिए आप लगा सकते हैं। 9x10 का एक सिंपल बेडरूम यहाँ पे आपको मिल जाता है। विंडो देख सकते हैं, वेंटिलेशन के लिए काफ़ी अच्छी विंडो प्रोवाइड की गई है। इसके बाद साउथ ईस्ट में किचन मिल जाता है, तो यहाँ पे अग्नि कोण में किचन है। तो ये किचन का जो साइज़ है 12x14 का है, बड़ा सा किचन है, यहाँ पे पूजा रूम के लिए सेक्शन बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मॉड्यूलर किचन दिया गया है, कम्प्लीटली मॉड्यूलर किचन है। पीछे में वॉशिंग एरिया भी मिल जाता है 3 फीट का, तो यहाँ पे वॉशिंग एरिया भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है बर्तन वगैरह धोने के लिए 3 फीट का, 3x12 फीट के आसपास ही ये स्पेस मिल जाता है आपको। तो ये किचन का एल शेप में आपको किचन प्लेटफॉर्म मिल जाता है यहाँ पे, और विंडो भी मिल जाएंगी वेंटिलेशन के लिए, काफ़ी अच्छा प्रोवाइड करती है लुक। यहाँ पे पूजा रूम के लिए स्पेस दिया गया है प्रॉपरली, तो ये किचन का ईशान्य कोण आ जाता है जहाँ पे पूजा रूम वगैरह आ जाती है। अभी हम मास्टर बेडरूम देखेंगे इसका, तो ये कॉरिडोर से सीधे आए हम, यहाँ पे एक बेडरूम देखा, यहाँ पे किचन हो गया हमारा और अभी हम यहाँ पे मास्टर बेडरूम देखेंगे। तो ये 12x12 का मास्टर बेडरूम आ जाता है, मास्टर बेडरूम देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी फॉल सीलिंग वगैरह देख सकते हैं, सिल्वर फॉल सीलिंग है। वॉल पुट्टी और पेंटिंग आपको हर कमरे में मिलेगा। मास्टर बेडरूम में अटैच वॉशरूम भी दिया गया है, तो यहाँ पे अटैच वॉशरूम आप देख सकते हैं 4x6 फिट का अटैच वॉशरूम है, साढ़े चार बाय सिक्स फिट का आपको अटैच वॉशरूम मिलेगा। यहाँ पे आपको वेस्टर्न कमोड मिल जाता है और शावर वगैरह यहाँ पे दिए गए हैं। टाइल्स देख सकते हैं, इस तरह की टाइल्स भी आप अपने घर में लगा सकते हैं। अगर मैं डोर की बात करूँ तो डोर यहाँ पे सिंपल डोर लगाए गए वॉशरूम के लिए, और ये यहाँ पे फ्लश डोर मिल जाएंगे। तो ये था हमारा वीडियो, 2BHK की प्लानिंग थी विथ स्टोरेज आपको यहाँ पे मिलता है, किचन ओपन किचन दिया गया है, यहाँ पे किचन में डोर नहीं है। तो जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे किचन हो गया हमारा, यहाँ पे मास्टर बेडरूम विथ अटैच वॉशरूम, उसके बाद यहाँ पे हमारा बेडरूम आ जाता है। बेडरूम आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये कॉरिडोर होगा 3.5 फिट का हमारा। इसके बाद यहाँ पे कॉमन वॉशरूम हो गया, यहाँ पे हमारा स्टोरेज हो गया और ये हमारा ड्राइंग रूम। तो
तो अभी हमने वीडियो तो देख लिया पूरा मकान का, किस तरह से ये मकान डिजाइन किया गया, किस तरह से ये बना है। तो अभी हम इसका एस्टीमेट भी देख लेते हैं कि एक्चुअल एस्टीमेट इसका कितना जा रहा है, जो मकान बनाया है उसका एक्चुअल एस्टीमेट कितना रहेगा वो हम डिटेल में देखेंगे अभी। तो सबसे पहले मैं फिलिंग की बात करूँ तो फिलिंग का यहाँ पे क्वांटिटी 4000 क्यूबिक फीट का आ जाता है, 15 रुपये क्यूबिक फीट के हिसाब से 60,000 तक का कॉस्टिंग आ जाएगा इसमें। सीमेंट की मैं बात करूँ तो सीमेंट यहाँ पे 325 बैग लगेगा, 400 के हिसाब से इसका जो अमाउंट आ जाएगा 1,30,000 रुपये आ जाएगा, यानी सीमेंट में हमारा 1,30,000 का कॉस्टिंग आएगा। लोहे की मैं बात करूँ तो लोहे का यहाँ पे टोटल जो क्वांटिटी आएगा 3.2 मेट्रिक टन आएगा, जिसका रेट होता है 75,000, मतलब 32 क्विंटल, और रेट रहेगा 7,500 रुपये पर क्विंटल। तो यहाँ पे जो स्टील का अमाउंट आ जाएगा 2,40,000 आ जाएगा। इसके बाद मैं बात करूँ सैंड की, जो रेती जो यूज करते हैं हम, तो उसका जो क्वांटिटी आ जाएगा 2500 क्यूबिक फीट तक आ जाएगा, यानी 25 ग्रास 60 रुपये का रेट रहेगा और अमाउंट आ जाएगा 1,50,000 रुपये, 1,50,000 रुपये। सैंड और एग्रीगेट का रेट वेरी करता है लोकेशन टू लोकेशन, तो हर एक लोकेशन में कहीं कम हो सकता है, कहीं ज्यादा हो सकता है। एग्रीगेट की मैं बात करूँ तो एग्रीगेट का यहाँ पे 1750 क्यूबिक फीट का क्वांटिटी आ रहा है और 30 रुपये के हिसाब से टोटल अमाउंट 52,500 रुपये आ जाएगा। वही अगर मैं रेड ब्रिक्स की बात करूँ, जो लाल ईटे की होती है उसकी बात करूँ, तो 17,000 ब्रिक्स लगेगी यहाँ पे, 8 रुपये के हिसाब से टोटल ब्रिक्स की क्वांटिटी 1,36,000 आ जाती है। वही अगर मैं लेबर रेट फॉर फाउंडेशन की मैं बात करूँ, तो लेबर रेट फॉर फाउंडेशन मतलब जो भी हमारा प्लिंथ तक का काम हुआ है, फाउंडेशन का काम हुआ है, उसका जो लेबर रेट है वो कितना रहेगा, तो 1250 स्क्वायर फीट का टोटल एरिया रहेगा, 150 के हिसाब से 1,87,500 रुपये अमाउंट आ जाएगा। लेबर रेट फॉर फ्लोर स्लैब, अब जो ऊपर का स्लैब होता है उसके लिए हम अगर एरिया कैलकुलेट करें तो 1350 स्क्वायर फीट का एरिया आएगा, 250 स्क्वायर फीट इसका रेट रहेगा और 3,37,500 रुपये इसका अमाउंट आ जाएगा। यानी जो फ्लोर का जो अमाउंट है, जिसमें आपका ब्रिकवर्क प्लास्टर कॉन्क्रीट वगैरह सब कुछ आ गया, तो उसका जो अमाउंट है वो 3,37,500 आ जाएगा लेबर कॉस्ट का। इसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वेट्रीफाइड टाइल की, तो 800 स्क्वायर फीट की वेट्रीफाइड टाइल लगेंगी 44,000 रुपये की। सेरेमिक टाइल्स की मैं बात करूँ तो सेरेमिक टाइल आपको लग जाएंगी 17,500 की। यहाँ पे दो वॉशरूम है, एक कॉमन है, एक अटैच है, टोटल का क्वांटिटी 500 स्क्वायर फीट आ जाता है, 35 के हिसाब से 17,500 इसका अमाउंट आ जाएगा। टाइल फॉर किचन, तो किचन प्लेटफॉर्म के ऊपर जो टाइल लगाएंगे उसका कॉस्टिंग 4,000 आ जाएगा। पोल टाइल की मैं बात करूँ तो पोल टाइल आपकी 3500 की हो जाएगी, पोल जो आपने सामने में देखा होगा उसकी मैं बात करूँ तो 3500 रुपये उसका पोल टाइल का कॉस्टिंग आ जाएगा। टाइल फिटिंग चार्ज में बात करूँ तो टाइल फिटिंग चार्ज का कॉस्टिंग 22,500 रहेगा, टोटल 1500 स्क्वायर फीट का एरिया आ रहा है उसका, और लेबर चार्ज इसका 15 रुपये स्क्वायर फीट रहेगा, तो 22,500 इसका अमाउंट आएगा। ग्रेनाइट, अब ग्रेनाइट यहाँ पे आपने देखा होगा विंडो में भी ग्रेनाइट लगा है, किचन प्लेटफॉर्म में भी ग्रेनाइट लगा है, स्टेयर में भी ग्रेनाइट लगा था, तो यहाँ पे टोटल जो ग्रेनाइट लगा 300 स्क्वायर फीट तक का क्वांटिटी आ जाएगा, 150 के हिसाब से 45,000 इसका अमाउंट आ जाएगा। अब ग्रेनाइट किचन प्लेटफॉर्म की मैं बात करूँ तो एक किचन प्लेटफॉर्म है जो कि ग्रेनाइट का बना है, उसको बनाने में लेबर कॉस्ट 15,000 का आएगा। इसके बाद अगर मैं डोर फ्रेम की बात करूँ तो डोर फ्रेम यहाँ पे जो डोर फ्रेम लग रहा है यहाँ पे टोटल 8 डोर फ्रेम लगेंगी 4,000 रुपये के पर डोर फ्रेम के हिसाब से, टोटल अमाउंट 32,000 रुपये आ जाएगा। इसके बाद वॉशरूम डोर की मैं बात करूँ तो दो वॉशरूम डोर लगेंगे, 3,000 रुपये के एक डोर होगा और 6,000 के दो हो जाएंगे। वुडन डोर की अगर मैं बात करूँ तो फ्रंट डोर आपने देखा होगा इसका वुडन का है, तो यहाँ पे 25,000 का ये डोर पड़ जाएगा। वही अगर मैं विंडो ग्रिल की बात करूँ तो 9 ग्रिल आपको 18,000 में पड़ेंगी। एल्यूमिनियम स्लाइडिंग विंडो की मैं बात करूँ तो एल्यूमिनियम स्लाइडिंग विंडो 7,000 रुपये पर विंडो के हिसाब से 63,000 के हो जाएंगे। लोड विंडो अगर हम बात करें तो लोड विंडो का यहाँ पे जो वॉशरूम में लगाएंगे उसका कॉस्टिंग 4,000 रुपये आएगा। वाटर टैंक का कॉस्टिंग आपको आ जाएगा 6,000 रुपये। इसके बाद वॉल पेंट विद पुट्टी अगर आप करते हैं तो यहाँ पे 1,00,000 रुपये कॉस्टिंग आएगा। इसमें पेंट भी आएगा, जैसे आप कोई भी टॉप ब्रांड का पेंट लगाएंगे तो इतना कॉस्टिंग आएगा। वॉल पुट्टी आ गई, इसमें पेंटिंग और वॉल पुट्टी का लेबर कॉस्ट भी आ जाएगा आपका। रेलिंग की मैं बात करूँ तो रेलिंग का यहाँ पे कॉस्टिंग 18,000 रुपये रहेगा। यहाँ पे देखा होगा आपने MS की रेलिंग लगाई गई है स्टील में। प्लम्बिंग की मैं बात करूँ तो 60,000 तक प्लम्बिंग का कॉस्टिंग आ जाएगा। इलेक्ट्रिफिकेशन की हम बात करें तो इलेक्ट्रिफिकेशन का कॉस्टिंग 1,00,000 तक आ जाता है। वही अगर मैं मेन गेट बताऊँ तो वे मेन गेट जो सामने में लगा है स्टील का लोहे का, तो उसका जो कॉस्टिंग आ जाएगा 12,000 आ जाएगा, वो छोटा गेट है। मॉड्यूलर किचन की यहाँ पे एक यूनिट मतलब मॉड्यूलर किचन बनाया गया, तो मॉड्यूलर किचन बनाने में 75,000 का कॉस्टिंग आया। फॉल्स सीलिंग की कॉस्टिंग यहाँ पे 400 स्क्वायर फीट का टोटल एरिया है, इसमें फॉल्स सीलिंग का कॉस्टिंग आपको 40,000 तक आ जाता है। तो इसमें जैसे हमने
बेडरूम में और ड्राइंग रूम में फॉल सीलिंग की थी, तो यहाँ पे 40,000 तक का कॉस्टिंग आया। अब टोटल बजट की मैं बात करूँ तो ये बिल्डिंग हमारे को 20,28,000 रुपये में पड़ेगी, तो 20,28,000 रुपये इसका कॉस्टिंग है। अब इसमें देखिए इंजीनियरिंग जो फीस है, सैंक्शन ड्राइंग है, आपका वर्किंग ड्राइंग है, उसका फीस इंक्लूड नहीं है, और जो कुआ बना है उसका भी कॉस्ट इसमें इंक्लूड नहीं है। तो कुएं का यहाँ पे 1 से 1.5 लाख रुपये कॉस्टिंग आया था, और इसके बाद जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है वो डिपेंड करता है हर सिटी टू सिटी, आप ऑनलाइन मंगाते हैं तो थोड़ा सा कम कॉस्ट में पड़ता है। और इसके बाद यहाँ पे एक और जो टीवी यूनिट है उसका कॉस्टिंग मैंने इंक्लूड नहीं किया, तो 20,000 रुपये इस तरह से टोटल और 2 लाख रुपये इसमें इंक्लूड होता है। अब ये मत कहना कि 14-15 लाख में मकान बन जाता है, 12 लाख में मकान बन जाता है, तो मैंने हर एक डिटेल देखी है। जिन लोगों को लगता है कि कम है ज्यादा है, डिटेल में हर एक आइटम वाइज नंबर टू नंबर हर एक डिटेल में दिया है, वो डिटेल देख सकते हैं। और अगर आप कम कॉस्ट में अच्छे से अच्छी ड्राइंग अपने मकान के लिए बनाना चाहते हैं, प्रोफेशनल ड्राइंग बनाना चाहते हैं, हर एक ड्राइंग जैसे आर्किटेक्चर ड्राइंग हो, स्ट्रक्चर ड्राइंग हो, 3D एलिवेशन, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल कंप्लीट बनाना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल जरूर कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल स्क्रीन पर अवेलेबल है, आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, आप मुझे WhatsApp पे भी मैसेज कर सकते हैं और सैंपल ड्राइंग अपने लिए मंगवा सकते हैं दोस्तों। तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहने के लिए।